भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो कृष्ण वासुदेवाय देव नंदनाय च नंद गोपाल गोविंद हे कृष्ण दीन दीन चल प्रणाम श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत हरे साधु संग बोलिए सब साधु संग सर्व शास्त्र कोई लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हमारे अंदर मनुष्य में पूरी जो हम कितने लाख जोनियां हैं 84 लाख जोनियों में मनुष्य सबसे अलग है। मनुष्य सबसे अलग है। सतयुग में देवता अलग रहते थे और राक्षस अलग रहते थे, यानी देवलोक सुना होगा ना, देवलोक में देवलोक रहते थे और दानवलोक में दानवलोक रहते थे। मैं जो समझा रहा हूं समझिएगा, और वो अभी अभी आया है। गुरु महाराज की कृपा से देवलोक में देवलोक रहते थे और दानवलोक में दानवलोक रहते थे। ये कौन सा युग था? सतयुग। फिर कौन सा युग आया? त्रेता युग आया, जब एक लोक में रहने लग गए। जैसे राम, भगवान श्री राम भी इसी धरती पे थे और रावण भी इसी धरती पे था, फिर एक लोक में रहने लग गए। फिर जब द्वापर युग आया तो एक साथ रहने लग गए, जैसे कंस और माँ देवकी एक ही घर में रहते थे, उग्रसेन और कंस, सूरसेन ये सब कहाँ रहते थे? एक परिवार में रहते थे, है कि नहीं? लेकिन जब कलयुग आया तब राक्षस और देवता एक इंसान में साथ रहने लगे। आज मानव भी हमारे अंदर है और दानव भी हमारे अंदर है। समझ लो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कहा मैंने? मानव भी हमारे अंदर है और दानव भी हमारे अंदर है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इनको अलग कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो जुड़वा है, ट्विन्स है। मानव और दानव दोनों एक साथ आए जन्म लेकर, एक साथ आए, दोनों एक साथ जन्म लेकर आए। कौन कौन? मानव भी और दानव भी। अब
मेडिकल साइंस में उस दिन कहीं पढ़ रहा था, तो जब किसी के गर्भ में ट्विंस बच्चे होते हैं उसको स्टार्टिंग में क्या फोर्टिस क्या बोलते हैं उसको, फिटिस, हाँ फिटिस बोलते हैं। और उसमें से अगर कोई खराब होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसे मेडिसिन देते हैं जिसके द्वारा वो खराब फिटिस वो ग्रो नहीं होता। क्या होता है, ग्रोप नहीं होता है। और जो अच्छा होता है वो ग्रोप होते होते क्या रूप ले लेता है, एक सुंदर बच्चे का रूप ले लेता है। फिर यही मेडिकल जो गायनिक साइंस कहेंगे हम उसे, मुझे समझ में आया आहिस्ता आहिस्ता कि हमारे अंदर भी दो है, एक मानव और दूसरा दानव, और दोनों की परवरिश एक साथ हो रही है, दोनों एक साथ ग्रो हो रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर क्या करते हैं, वो जो खराब फिटिस होता है उसको कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं जो मुरझाने लगता है और ग्रोप नहीं करता है और समाप्त हो जाता है। और जो अच्छा बच्चा होता है वो ग्रोप होकर के एक सुंदर बालक की शक्ल में रूप जन्म लेके आता है। ऐसे ही जब साधु संग करते हैं तो हमारे अंदर का जो दानव है वो सत्संग के द्वारा आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगता है, और कमजोर होते 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 सत्संग के द्वारा जब वो कमजोर होने लगता है तब एक वक्त आता है वो दानव बिल्कुल मुरझा जाता है, और सत्संग हरिनाम हरि संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन के द्वारा जो मानव होता है वो ग्रोप होता है, और जो ग्रोप होके किसका रूप ले लेता है, एक वैष्णव का रूप ले लेता है। इसका एक और उदाहरण आपको समझाऊं, ये तो फिटिस के द्वारा था, अब मुझे इतना मेडिकल साइंस नहीं पता लेकिन जितना मैंने पढ़ा सुना वो आपको शेयर किया और वो समझने की बात है। अब एक साधारण सा, ये तो एक गायनिक एग्जाम्पल था गायनोलॉजिस्ट के हिसाब से, लेकिन एक साधारण भाषा में अगर मैं समझाऊं आप लोगों को कि आपके घर में दो गमले हैं, एक में गुलाब का पौधा लगा है और एक में कोई भी बता दो ना, नहीं नहीं कोई भी एक पौधा बता दो जो इस समय समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई भी ले लो, एक चमेली ले लो, चलो ले लिया। एक पौधा किसका लिया, गुलाब का, और एक चमेली का, दो गमले हैं। अब उसकी परवरिश के लिए क्या चाहिए जी, क्या चाहिए, पानी चाहिए, सूरज चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, ये सब चाहिए। अब मान लीजिए आप गुलाब के पौधे को रोज धूप भी देते हैं, अच्छी हवा भी मिल रही है और जल भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, तो पौधा क्या करेगा, बढ़ेगा। और जो चमेली का पौधा है उसको आप पानी मत दीजिए, उसको आप पानी मत दीजिए, पानी से उसको क्या करो, दूर रखो, तो पौधा क्या करेगा जी, मुरझा जाएगा, और मुरझाते मुरझाते एक समय आएगा बिल्कुल ही वो समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। इसी तरह से अगर गुलाब के पौधे को आप जल देना बंद कर दो और चमेली के पौधे को रोज जल दो और धूप दो तो क्या होगा जी, चमेली का पौधा बढ़ेगा और गुलाब का पौधा
मर जाएगा। इसी तरह से हमारे में मानव भी है और दानव भी है। सत्संग मिलने से मानव ग्रोथ होता है और दानव मुरझाता है। दूसरी ओर कुसंग मिलने से बोलो दानव बढ़ता है और मानव मुरझाता है। जैसे 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 सत्संग मिलता जाता है वो मानव ग्रोथ होता जाता है, मानव ग्रो होता चला जाता है और मानव का विकास होता है। और एक वक्त आता है जब वो भक्त का रूप इख्तियार कर लेता है, भक्त के रूप में आ जाता है, वैष्णव के रूप में आ जाता है, एक साधु के रूप में आ जाता है, एक महान व्यक्ति के रूप में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति जो खुद भी जीता है और दूसरों को भी जीने की प्रेरणा देता है। जो योगी के साथ ज्यादा उपयोगी है एक वो है। और अगर किसी तरह से दुर्भाग्य से कुसंग मिला तो कुसंग का परिणाम क्या आएगा? जो मानव है वो मुरझा जाएगा और दानव बढ़ता चला जाएगा। और दानव बढ़ते 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 एक वक्त आएगा जब वो बहुत राक्षसी जैसे बुरे इंसान का रूप ले लेगा और समाज के लिए हानिकारक होगा, वो अपने परिवार के लिए हानिकारक होगा, यहां तक कि अपने आप के लिए हानिकारक होगा। तो प्रश्न क्या उठता है कि मनुष्य को संग कौन सा करना चाहिए? अगर कुसंग किया तो किसका विकास होगा? दानव का। और सत्संग किया तो किसका विकास होगा? मानव का। सत्संग किया तो मानव का विकास हुआ और दानव मुरझा गया। कुसंग किया तो दानव का विकास हुआ और मानव मुरझा गया। इसीलिए कहा साधु संग सर्वशास्त्र कोए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। ये जो सारी सिद्धियों की सिद्धि है भक्ति देवी की प्राप्ति, और भक्ति देवी की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आपका मानव विकास करता है। मानव के विकास होने से दानव कमजोर पड़ता है। और जब याद रखना, इंसान बुरा नहीं है, इंसान के अंदर का इंसान बुरा होता है। क्या मतलब? जो दिखता है वो बुरा नहीं है, जो उसमें होता है वो बुरा है। और दिखने को वो मानव है लेकिन अंदर दानव है, इसलिए वो बुरा है। दिखने में वो मानव है लेकिन अंदर उसके दानव है, इसलिए वो बुरा है। और याद रखना, फिर कह रहा हूं, आज कलयुग में एक ही इंसान में देवता भी रहता है और एक ही इंसान में राक्षस भी रहता है। सतयुग में दोनों अलग अलग ग्रहों में लोकों में रहते थे, फिर त्रेता में एक ही लोक में रहने लग गए, फिर द्वापर में एक ही घर में रहने लग गए, एक ही परिवार में लेके रह गए, और कलयुग में एक ही इंसान में रहने लग गए। अब सत्संग मिली, साधु संग मिला तो उसमें वो मानव का विकास हुआ और जो देवता तुल्य जीवन बिताने लग गया, और कुसंग मिला दुर्भाग्य से तो राक्षस तुल्य जीवन बिताने लग गया। और याद रखना, दोनों के परिणाम बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। कोर्ट में, न्यायालय में, कोर्ट में सिपाही भी होता है और चोर भी होता है। दोनों कहाँ होते हैं बोलो ने? कोर्ट में ही होते हैं ना। कोर्ट में होते हैं, न्यायालय में होते हैं, चोर भी वहीं होता है और
सिपाही भी वही होता है, लेकिन जब कोर्ट छूटता है, कोर्ट समाप्त होता है, कोर्ट का समय समाप्त होता है, अदालत का समय पूरा हो जाता है, तो क्या होता है, सिपाही अपने घर जाता है और चोर सजा भोगने जेल जाता है। इसी तरह से एक ही व्यक्ति में, जैसे एक ही कोर्ट में सिपाही है और चोर भी है, लेकिन दोनों के परिणाम, दोनों की मंजिलें अलग अलग है, इसी तरह से एक ही इंसान में राक्षस भी है और दानव भी है और मानव भी है, लेकिन जब यह शरीर का समय पूरा होता है तो दोनों की मंजिलें अलग अलग होती है। यदि आप चाहते हैं कि शरीर की समाप्ति के बाद आप अपने घर जाएं, तो आपको मानव को विकसित करना पड़ेगा। और सोचते हैं कि इस शरीर का समय प्रवाह और नरक भोगे, तो फिर तो दानव तो है ही। अब दानव का विकास कहां होता है, बोलो, दानव का विकास कहां होता है, कुसंग में, बुरी संगत में, गलत कंपनी में, गलत सोहबत में, और मानव का विकास सत्संग, अच्छी संगत में। इसीलिए कहा साधु का संग सारी सिद्धियों की प्राप्ति करा देता है। कितना संग, बोलो, लव मात्र। ये लव भी एक क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट है, मात्रा नहीं, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, लव, फिर क्षण, फिर घड़ी, ऐसे होता है। इसीलिए कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में आध संगत कीजिए साध की, तो कटे कोटि अपराध। कैसे कटे, एक मुझे कथा याद आ रही है। हम सब, मैं, आप सब, हम सब भाग्यशाली है कि गुरु कृपा, हरि कृपा से हमें क्या मिला है, सत्संग मिला। और वो लोग बड़े अभागी हैं जिनको उनके कुकर्मों के फल स्वरूप क्या मिला है, कुसंग मिला। कुसंग देखने में बड़ा चमकीला है, कुसंग में देखने में बड़ा एंटरटेनमेंट है, कुसंग देखने में बड़ा अपनी ओर खींचता है, कुसंग ऐसे लगता है जैसे आदमी हवा में उड़ रहा है, लेकिन वह हवा में उड़ते उड़ते एक दिन उड़ ही जाता है, और उड़ती हुई पतंग। एक आपको पतंग से मुझे एक कथा याद आई है, कहो तो सुना दूं, सुना दूं। एक पिता और पुत्र, कुसंग और सत्संग से ही संबंधित कथा है, लेकिन पतंग आई है तो मुझे कथा याद आ गई। गुरु महाराज ने गूगल बनाया है, वो कुछ भी आ जाता है। एक पिता और पुत्र मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ा रहे थे, तो अब पता है उसकी एक वो होती, क्या बोलते हैं उसको, चरखी, जिसमें वो होती है डोर होती है। अब पतंग की डोरें भी दो तरह की होती है, एक को क्या बोलते हैं, एक मांझा होता है और दूसरी, आप लोगों ने क्या उड़ाया होगा, आप लोग ने पति की जेब से पैसे उड़ाए होंगे, इसलिए पतंग का तो पता ही नहीं है कैसे उड़ाई जाती है। हाँ रियली, एक माता गई, बोला क्या काम करती, बोला मैं पायलट हूं। क्या बोला, बोला क्या उड़ाती हूं, बोला पति की जेब से, ये सब पायलट बैठे हैं। ये सब पायलट बैठे हैं, तो मैं क्या बोल रहा था, पतंग। तो उस पतंग में वो डोर थी, डोर उड़ रही थी, तो
ऐसे डोर को पकड़ के रखते ना, ऐसे ऐसे उसको साथ साथ क्या देने पड़ते हैं, थोड़े झटके भी देने पड़ते हैं। लेकिन आपको पता है वो हर झटका पतंग को क्या करता है, आगे उड़ाता है। ऐसे जिंदगी में कभी झटके आ भी जाए तो समझना ये झटके आगे उड़ाने के लिए। तन दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ये अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। एक शेर याद आ गया उर्दू का। तो बेटे ने कहा, पिताजी इस डोर की वजह से पतंग जो है वो ज्यादा ऊंची नहीं जा रही है, क्योंकि डोर की एक मर्यादा है, समाप्ति एक होती है। कितने किसी के पास 100 मीटर, किसी के पास 1000 मीटर, उतनी होती है। उसके बाद तो फिर उसको पकड़ के ही खड़ा करना पड़ता है। आप लोगों ने कभी किसी ने पतंग उड़ाई हो तो। तो बेटे ने कहा, पिताजी इस डोर को क्या करो, काट दो और ऊंची चलेगी पतंग। पिता ने कहा, बेटे को सिखाने के लिए करना पड़ेगा कुछ, और उन्होंने वाकई डोर को काट दिया। तो जैसे ही डोर काटी, पतंग ऊपर गई, लेकिन थोड़ी देर में गिर गई नीचे। पिता ने कहा, बेटा तुमने कुछ सीखा है जिंदगी में? बोला, क्या? कहा, तुमने देखा है जब तक ये डोर थी, पतंग उड़ रही थी, स्थापित थी अपनी जगह पे, लेकिन जैसे ही काटा, थोड़ी देर के लिए तो उड़ी लेकिन गिर गई। इसी तरह से जो हमारे बड़े हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमें आगे जाने नहीं देते, रोकते हैं हर जगह पर, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये नहीं करो, वो ना करो, हमें रोकते हैं। और हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ये हमें रोकना छोड़ दे तो हम बहुत आगे जाएंगे। खासकर जब हमारे माँ बाप, हमारे गुरु महाराज, हमारे बड़े जब हमें रोकते हैं किसी चीज के लिए, तो हमें लगता है ये हमें प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे, ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ये हमें तरक्की नहीं करने देते। अगर ये हमें खुला छोड़ दे तो हम बहुत ऊंचा उड़ेंगे, लेकिन याद रखना वो थोड़ी देर के लिए उड़ोगे, बाद में गिर जाओगे। जिसने भी मर्यादा की डोरियां तोड़ दी वो उड़ते नहीं है बल्कि उड़ जाते हैं। कान खोल के सुनना, जिसने भी मर्यादा की डोरियां तोड़ दी वो उड़ते नहीं है बल्कि उड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा आपके बड़ों ने, आपके गुरुदेव ने जो मर्यादा की डोरियों से आपको बांधा है, उसको तोड़ने की कोशिश मत करना। थोड़ी देर के लिए तो उड़ोगे लेकिन फिर हमेशा के लिए उड़ जाओगे, और ऐसे उड़ोगे कि नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो एक घड़ी आधी घड़ी आधी में भी आज संगत की जी साध की तो कटे, तो कटे से पतंग की बात ही आई थी कि पतंग कट जाती है, यहां से बात आई थी। तो फिर अब कैसे, थोड़ा भी संग हम साधु का करते हैं तो एक बहुत बड़ी बला से बच सकते हैं, वो कैसे? तो आज से हजारों कई सौ साल पहले की कथा है कि एक बहुत बड़ा डाकू था। हाँ, आज से कई सौ साल पहले एक ही डाकू होता करता था, अब तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उस जमाने में डाकू ढूंढने से मिलते थे, आजकल डाकू हम लोगों को ढूंढते हैं। पहले डाकुओं को लोग ढूंढते थे कि डाकू कहीं दिखे, और डाकू भी बड़े शिष्टाचार वाले डाकू होते थे। आजकल तो घर में ही कैसे डाके पड़ जाते पता ही नहीं चलता, और हम बोल भी नहीं सकते। बेटा आके सीधा बोलता, लाओ 20,000 रुपये, हमारा डाका, हम बोलो ना। तो ऐसे छोटे मोटे होते रहते। तो उस डाकू ने
अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरी एक आखिरी बात मान ले, मेरी वसीयत है। उस जमाने में डाकू के बच्चे भी अपने बाप की नसीहत को, आजकल पता क्या है, हमारे बच्चे हमारी वसीयत चाहते हैं, नसीहत नहीं चाहते हैं। क्या बोल रहा हूं, वसीयत तो चाहते हैं लेकिन नसीहत नहीं चाहते हैं। वसीयत समझते हो ना किसको बोलते हैं, विल को बोलते हैं। उनको वसीयत चाहिए लेकिन नसीहत नहीं चाहिए। उस डाकू ने कहा मेरी एक नसीहत है, मानेगा? और वही मेरी वसीयत है। बोला क्या है पिताजी? बोला देख बेटा, जितना मैंने नाम कमाया उससे बड़ा डाकू तू बन। पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो मेरे जैसा बनना। और उस जमाने में डाकू के बच्चे भी अपने बाप की बात, आजकल तो साधु के बच्चे भी नहीं मानते हैं कि मेरे जैसा तू बच्चा। उसने सीरियसली इस बात को लिया और अपने पिताजी के रास्ते पे चलने लगा। समझना, साधु संग। आप बोलोगे डाकू की कथा में साधु कहां से आ गया, लेकिन आएगा, क्योंकि जब तक डाकू की कथा में साधु नहीं आता है उसका जीवन सुधरता नहीं है। याद रखना, आज हमारा जीवन भी सुधरा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी महापुरुष का कोई ना कोई समावेश हुआ होगा। हम भटके हुए एक राही थे दुनिया की अंधेरी राहों में, जीने का सहारा हमको मिला मसीहा तेरी बाहों में। आपने जब उठाया हमें गिरे हुओं को तो रास्ता मिला। तो हम कौन जाने क्या था कृष्णा और कौन थी राधा। अब उस बच्चे ने अपने पिताजी की इस नसीहत को माना और एक बहुत बड़ा क्या बन गया, डाकू बन गया। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि अगर तू मेरा बेटा है तो एक प्रॉमिस कर, पुलिस के हाथ में कभी मत आना, नहीं तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। कि इतने बड़े डाकू का बेटा इतना छोटा डाकू बना, बड़ा डाकू बनना। उसने भी अपने पिताजी की इस नसीहत को सीरियसली लिया और इतना बड़ा डाकू बना, इतना उसका नाम दहशत फैल गई, लेकिन कभी किसी के हाथ में नहीं आया। हाथ में तो छोड़ो, कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, इसलिए किसी के पास उसका फोटो तक नहीं था। ऐसा बड़ा डाकू बन गया। डाके मारते 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 मारते, लेकिन पुलिस, सरकार, उस जमाने का राजा अंधेरे में थे कि इसको पकड़े तो कहां पकड़े, क्योंकि किसी ने उसको कभी देखा ही नहीं, कोई फोटो ही नहीं है, किसी तरह से कोई संकेत ही नहीं है, तो पकड़े कहां पर उसको। किसी तरह से एक दिन वो डाका मारने जा रहा था, उसके पिताजी ने कहा था बेटा तू जब डाकू बनेगा ना तो एक चीज से तू परहेज करना, एक चीज से दूर रहना। पिताजी क्या? बोला सत्संग, क्योंकि सत्संग में कभी मत जाना, क्योंकि सत्संग तुझको अच्छा डाकू नहीं बनने देगी, क्योंकि संत कहीं ना कहीं तुझे पिघला देगी और तू अच्छा डाकू नहीं बनेगा। इसलिए जो अच्छे डाकू बनना चाहते हैं बच्चों, बोलो, वो सत्संग से दूर रहते हैं, क्योंकि सत्संग उनके अच्छे डाकू बनने की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए If you want become a good daku, don't come in satsang. मैं अमेरिका से आया हूं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना चालू किया है।
मत आना कभी सत्संग में अगर आप अच्छे डाकू बनना चाहते हो तो। हाँ, अगर सत्संग में आ गए तो आपके डाकू बने का समाप्ति हो जाएगी। इसलिए अगर आप डाकू बनना चाहते हैं तो मेरी सजेशन है, सत्संग नहीं सुनना। ये मैंने नहीं कहा, उसके बाप ने कहा था अपने बेटे को। मैं कैसे बोल सकता हूं। उसने ये बात को बांध लिया अपने पिताजी की बात को, क्योंकि जो लोग बुरे लोग भी अपने बड़ों की बात बांधते हैं ना, तो वो भी अपने बड़ों जैसे बन जाते हैं, चाहे वो बुरे ही क्यों ना हो। इसलिए जब भी हमारे बड़े कुछ समझाए, हमें गंभीरता से ले लेना चाहिए उसको। अब बहुत बड़ा डाकू बन गया और एक दिन डाका मारने जा रहा था, रास्ते में बड़ी भीड़ लगी थी, ऐसे सब लोग आपकी तरह सोने की चूड़ियां नेकलेस पहन के बैठे थे। डाकू घुसा, लेकिन पता चला वहां तो क्या हो रही, सत्संग हो रही है। अरे बाप रे, मेरे पिताजी ने तो मुझे मना किया था कि कभी सत्संग में मत जाना, नहीं तो तेरा डाकू बना समाप्त हो जाएगा। अब करे क्या, अब तो घुस गया भीड़ में और संत बोले जा रहे थे नॉन स्टॉप। तुरंत कान में उंगलियां डाल दी ताकि आवाज न जाए। जैसे होते हैं ऐसे कई लोग जो सत्संग नहीं सुनना चाहते, जब कहीं कहीं सत्संग होती है और उनके घरों में सत्संग की आवाज जाती है तो पता क्या करते, टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देते ताकि गलती से कहीं सत्संग उनके कान में ना चली जाए, इतना उनको सत्संग से परहेज होती है। इसने दोनों कान, नहीं दोनों उंगलियां कान में डाल दी, लेकिन हरि की इच्छा अद्भुत थी, पांव में कांटा लग गया। अब जैसे कांटा निकालने लगा तो उंगलियों को तो बाहर निकालना ही पड़ा। तब वो महापुरुष स्वर्ग की कथा कर रहे थे और स्वर्ग की कथा करते करते उन्होंने कहा कि जो स्वर्ग में आत्माएं होती हैं उनकी परछाई नहीं होती है, स्वर्ग में परछाई नहीं होती, ये उसने फिर से डाल दिया। लेकिन एक शब्द रह गया, क्या, जो स्वर्ग की आत्माएं होती उनकी परछाई नहीं होती, ये एक शब्द सुन लिया उसने। फिर बोला अभी एक ही सुनाना है, उससे क्या होने वाला है। समय जाते 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 समय बीतता बीतता, ये समझाना चाहता हूं, लव मात्र साधु संग, एक घड़ी भी साधु का संग, एक शब्द भी सत्संग का सुन लिया तो कितना कल्याण हो जाता है। समय रहते 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 एक दिन उसको उस राजा के पुलिस ने पकड़ लिया और उनको पूरा शक था कि जिस डाकू को हम ढूंढ रहे हैं ये वही है, लेकिन सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, कोई साक्ष्य कोई नहीं था, क्या करें। तब उस राजा का वजीर ने कहा, महाराज मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आप कहो तो मैं सुनाऊं। कहा क्या, कहा हम इसको एक काम करते हैं कि इसको कहते हैं कि तुम्हें हमने मृत्यु दंड दे दिया है। राजा बहुत शिष्टाचारी था, न्याय वाला था, बोला ऐसे प्रूफ के बिना सबूत के बिना हमें इसे मृत्यु दंड कैसे दे दे। बोला नहीं, मृत्यु दंड देना नहीं है, सिर्फ इसको इतना बताओ कि आपको मृत्यु दंड दिया जा रहा है और जहर के बजाय उसको बेहोशी की कोई दवा पिला दो और कहना तुम्हें मृत्यु दंड जहर से दिया जा रहा है, फिर क्या होगा। बोला जब ये जहर समझ के बेहोशी की दवाई पी लेगा जड़ी बूटी वाली, तब दो तीन घंटे चार घंटे कैसा रहेगा, बेहोश रहेगा। 10-12 घंटे थोड़ा डबल डोज दो गोली डाल देंगे, जैसे कुछ लोगों को आदतें होती है, डबल डोज देना तो 12 घंटे सोया रहेगा, फिर इससे क्या होगा। कहा हम एक जगह ऐसी बनाते हैं जिसको हम स्वर्ग का रूप देंगे, क्या देंगे,
स्वर्ग का रूप देंगे और उसको पकड़ के वहां सुला देंगे, तो आंख खुलेगी तो उसको ये सिद्ध कर देंगे कि तुम कहां पर हो जी, स्वर्ग में हो। और हमारे जो राज्य की बहुत सुंदर स्त्रियां हैं उसको अपसरा का रूप दे देंगे और कहेंगे कि महाराज स्वर्ग में आपका स्वागत है, और फिर वो अपसरा उसको बहला फुसला के उसका इंटरव्यू लेगी, अर्थात उससे पूछेगी आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते थे जमीन पे, अब तो आप स्वर्ग में आ गए हो क्योंकि आप बड़े पराक्रमी थे, बड़े दानी थे। सच कहता हूं चंद्रे की भी तारीफ करो तो वो कर्ण समझता अपने आप को कि मैं दानवीर हूं, जिसने भले साबुन भी कभी किसी दान में नहीं दिया, जो नहाने के बाद नहीं वो इतना हो जाता है, उसके दो टुकड़े करके सर साफ करेगा लेकिन देगा नहीं, लेकिन उसको बोलो यू आर द ग्रेट, वो बोलेगा आई एम द इनकार्नेशन ऑफ करण। हाँ, तारीफ चंद्रे को भी सखी बना देती और वो मजबूरी में कहीं ना कहीं हाथ डाल ही देता है, भले धर्म से नहीं शर्म ही से सही। इसलिए आज कलयुग में लोग धर्म से दान नहीं करते बल्कि शर्म से करते। तो फिर ऐसे बोलेगा कि मैं कौन हूं, मैं फलाना हूं, मैं डाके मारता था, और अपसरा को देखकर तो देवता भी पिघल सकते हैं, तो ये तो डाकू था, जरूर पिघलेगा। राजा ने कहा व्हाट इज द प्लान, वो इंग्लिश नहीं बोली थी, मैं बोल रहा हूं। राजा ने अपने हिसाब से कुछ बोला होगा, प्लान बनाया गया और इसको पकड़ा और अदालत में ला के कहा अब तुम्हें किसकी सजा दी जा रही है, मृत्यु की सजा दी जा रही है। उसने कहा मार दो, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। ठीक है, तुम्हें पॉइजन दिया जाएगा जहर से, और एक प्याला दिया गया और प्याला देकर उसको पिलाया और वो इतना कड़वा था और थोड़ी देर में वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद 10 12 15 घंटे के बाद जब उसको होश आया तो ऐसी जगह थी जो बहुत सुंदर रमणीक जगह थी, जो पहले से ही तैयार की हुई थी। इतनी रमणीक और सुंदर जगह पे उसने आंख खोली और तीन चार सुंदर सुंदर स्त्रियां, उन्होंने पूछा हे प्राणी आपका नाम क्या है, और बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा के पूछ रही थी जैसे एयर होस्टेस पूछती है। अब कुछ बोलने लगा, उसको लगा वाकई में मर चुका हूं और मैं कहां पे हूं, स्वर्ग में हूं, और ये अपसरा है मुझसे मेरे वो जो भी है कर्म पूछ रही है। तो कुछ बोलने वाला था कि अचानक उसकी नजर कहां पे पड़ी, परछाई पे पड़ी, क्योंकि धूप थी और उस लड़की की क्या दिख रही थी, परछाई दिख रही थी। तुरंत वो सत्संग का एक शब्द याद आ गया कि संत महाराज गुरु महाराज तो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, कि स्वर्ग की आत्मा की कभी परछाई नहीं होती है, और ये तो परछाई है। कुछ तो दिमाग तो पहले ही शैतानी था, और शैतानी दिमाग होता है ना, उसको हर मामले में पता है क्या दिखता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका दिमाग शैतानी था, तुरंत क्या सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, क्यों कि स्वर्ग की आत्मा की परछाई नहीं होती और इन सबों की तो परछाइयां हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और था तो बहुत ही शक्ति वाला, उठा और एक लड़की की गर्दन को दबाया, वो थी पहले ही सिंदड़ी सिंदड़ी थी, दबाया, बोला सच सच बता ये स्वर्ग है या कुछ और नाटक है, क्योंकि स्वर्ग की परछाई नहीं होती और तुम सबों की परछाई है। और संत ने कहा था लड़की की जब मृत्यु सर पे आ गई तो बोला बताओ, ऐसे दबाया जोर से, उसने बोला रुको 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 बताती हूं, मुझे मारना मत, ये कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है, ये तो एक नाटक है। तब उसको एक विचार आया जो आप भी समझ लेना, उसको तुरंत एक विचार आया
कि मैंने संत का सत्संग का खाली सुन बोलो एक शब्द सुना था, एक शब्द सुनने से आज मैं मौत से बच गया। धन्य है वो लोग जो पूरी उम्र सत्संग सुनते होंगे। एक शब्द सुनने से मैं मां भाई से बच गया, नहीं तो अभी मैं कुछ ना कुछ उगल देता था और अभी मेरी क्या हालत होती थी। एक शब्द सुनने से मैं इतने बड़ी सजा से बच गया। कितने महान लोग होंगे जो पूरी उम्र सत्संग सुनते होंगे। उस दिन से उसने तौबा की, कान पकड़े और तुरंत पहुंचा उस महापुरुष के चरणों में जिसकी उसने एक शब्द की क्या सुनी थी, सत्संग सुनी थी। और पहुंच के कहा, महाराज अब मैं थक गया, आपके एक शब्द ने मेरा जीवन बदल दिया, नहीं तो आज मैं फांसी पे लटका होता। धन्य है आप और धन्य है वो लोग जो पूरी उम्र सत्संग सुनते हैं। मैं इतना पापी होने के बाद भी सत्संग के एक शब्द से राजा की मार से छूट गया। जो सत्संग सुनते होंगे वो तो यम की मार से छूट जाते होंगे। धन्य है सत्संग, धन्य है संतों का संग और धन्य है संत। साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कोई, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करता हूं, जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना लेकिन हरि कथा कभी नहीं छोड़ना, साधु संग कभी नहीं छोड़ना। यही वो संग है जो आपके जीवन को धन्य कर देगा। मुझे एक छोटा सा शेर याद आ रहा है, तेरे संग दोस्ती हम तो ना तोड़े कभी। क्या बोला? तेरे संग दोस्ती हम ना तोड़े कभी, संग अपना रहे ना रहे। फिजिकली हम साथ रहें या ना रहें, लेकिन शब्दों का संग कभी नहीं छोड़ना। विपु से संग हो ना हो, लेकिन वाणी से संग जरूर करना। यही संग आपको धन्य कर देगा। नित्य भजो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।